हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। हमारे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों हम उन लोगों की बात करना चाहते हैं जो सऊदी अरबिया पहली बार हाउस ड्राइवर में आना चाहते हैं। उनके बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं, जो ज़रूरी बातें होती हो, जो ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, जो लोग सऊदी अरबिया पहली बार आते हैं उनको तो गाड़ी अच्छी तरीके से चलानी आनी चाहिए। उसके बाद गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे गाड़ी सीट पे बैठे गाड़ी चलाने के लिए, वैसे सीट बेल्ट ज़रूरी लगाना चाहिए। सीट बेल्ट अगर नहीं लगाओगे तो मुखालफा आ जाएगा तुरंत। उसके बाद यहाँ गाड़ियाँ ज़्यादातर ऑटोमेटिक होती हैं, गियर वाली गाड़ियाँ बहुत कम रहती हैं। 80% मान के चलो गाड़ियाँ ऑटोमेटिक रहती हैं, उसी में क्लच, उसी में ब्रेक, एक्सीलेटर अलग से रहता है। बस उसमें गियर में तीन ऑप्शन रहते हैं, डी करोगे तो आगे को जाएगी, पी करोगे तो पार्किंग हो जाएगी, आर करोगे तो रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टीयरिंग गाड़ी की बाएं रहती है, अपने लोग के यहाँ दाएं रहती है, यहाँ पर बाएं रहती है। तो और जब आते समय पहली बार जब आदमी गाड़ी पर बैठता है तो उसको थोड़ा डर लगता है। साइड यहाँ पे चेंज रहती है, अपने वहाँ पे दाहिने, यहाँ पर बाएं हैं, तो थोड़ा दिक्कत होती है गाड़ी चलाने के लिए। उसके बाद एक दो दिन चलाओगे कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब। उसके बाद दोस्तों रोड पर चलते समय दाएँ बाएँ ज़रूर देखें। उसके बाद अगर तुमको दाएँ जाना है या बाएँ जाना है तो इशारा ज़रूर लगाएं, इंडिकेटर को बोलते हैं इशारा, उसके बाद में जाएं। अगर आप इंडिकेटर लगा कर नहीं जाओगे तो पीछे वाली गाड़ी क्या समझेगा आपको किधर जाना है, दाहिने जाना है या बाएं जाना है, फिर उसमें दिक्कत हो सकती है। जाने से पहले अपना साइड शीशा देखो, उसके बाद फिर इशारा लगाओ, उसके बाद फिर अपना जिस तरफ जाना उस तरफ जाओ। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जैसे यू टर्न लेना है या खिदमा में जाना है तो पहले ही इंडिकेटर लगा के रखना है। ये नहीं कि वहीं पे जाओ तुरंत लगा के इंडिकेटर, जैसे जाना है अपना 50 मीटर 100 मीटर पहले इंडिकेटर लगा के जाओ, आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में फिर जैसे आप लोगों को यू टर्न लेना है, यू टर्न पर अपना खड़े हो जाओ इंडिकेटर लगा के, अपना देख कर सही से, जब गाड़ी आप समझ में आ जाए कि हाँ हम पार कर लेंगे, यू टर्न मार लेंगे, तभी यू टर्न मारो। जल्दबाजी कभी मत करना, क्योंकि यहाँ अगर आगे वाली की गलती भले ही है लेकिन जिसकी गाड़ी पीछे से लगेगी उसी की गलती मानी जाती है। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारी वीडियो छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।